छत्तीसगढ़ में धान बेचने के एवज में इस बार किसानों की जेब में 22,000 करोड़ रुपए जाएंगे। पिछले साल 20,000 करोड़ रुपए गए थे, जिससे इस बार की रकम 2,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। किसानों को धान खरीदी की बोनस की किस्त देने का सिलसिला भी अब शुरू होगा। सरकार ने पिछले साल मोटा धान 1968 रुपए में क्विंटल में खरीदा था, जिससे इस बार 2,040 रुपए में खरीदा गया था। इसी तरह पतला धान को भी पिछले साल 1988 रुपए क्विंटल में खरीदा था, जिससे अब 2,060 रुपए में खरीदा गया। इनके साथ ही मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। भत्ता कब से और कितना दिया जाएगा, इसका मसौदा बनाया जा रहा है, लेकिन संकेत मिला है कि भत्ता इसी साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, मई में मिलने लगेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है, मजदूरों को मकान बनाने के लिए 50,000 रुपए की अनुदान राशि मिलेगा। इनके साथ ही ग्राम पंचायतों को आदिवासी पर्व के लिए 10,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। इनके साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में लगे उद्योगों की संपत्ति कर से माफी तथा महिलाओं उद्योग कर्मियों को स्टार्टअप के लिए नई योजना शामिल किया गया है।